16। आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए। पहले बच्चों हम देखते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। हमारा प्रश्न होता है शब्द कैसे बनते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनते हैं। और मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, है ना? फिर स्वर में अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती। अ हमारे सभी व्यंजन में रहता है, अपने से ही शामिल रहता है, इसीलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आगे हम लोग अ की मात्रा पढ़ते हैं। आ की मात्रा एक खड़ी पाई। तो आ की मात्रा को हम जैसे किसी शब्द में लगाते हैं, व्यंजन में लगाते हैं, जैसे छ हुआ, छ प्लस आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? है ना? तो इसमें हम
मात्रा लगाएंगे पहले, तो क्या ती त ल इसके पर ई लगा देंगे तो हो जाएगा तितली की दीपक। बची है उनको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।